हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। फ्रेंड्स, बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर शेयर के बारे में। एक पेनी स्टॉक है ग्रीन पावर एनर्जी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से इसमें गिरावट लगातार हो रही है, तो क्या इसका सपोर्ट है, क्या इसका रेजिस्टेंस है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज एंड में मैं आपको एक शॉर्ट टर्म टारगेट भी ज़रूर दूंगी। जो लोग एग्जिट लेना चाहते हैं वो एग्जिट ले सकते हैं, बट फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर अच्छा है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें नहीं रुक सकते। तो फ्रेंड्स, आज क्लोजिंग दी है 12.20 पे। आज भी गिरावट देखने को मिली है, अराउंड 2.79% की गिरावट देखने को मिली है इस शेयर में। फ्रेंड, लोअर सर्किट बहुत दिनों से लगातार लग रहा है। अगर रिटर्न की बात करूँ तो जो 5 डेज में रिटर्न दिया है वो है नेगेटिव -15%, बट 1 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न दिया है 16%, एंड 6 मंथ्स में भी 304% रिटर्न दिया है, जो कि पॉजिटिव है। फ्रेंड, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है शेयर में। आपको मैं बता दूं, 11 से लेके 11:30 तक ये गिरावट जा सकती है। जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो इस पॉइंट पे ले सकते हैं 11 रुपये के आसपास। एंड शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 20 रुपीज़ का है, जो अचीव हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ी देर तक होल्ड कीजिए। एंड फ्रेंड्स, इसने जो अभी तक हाई बनाया था वो 27 का था। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहते हैं वो इतना भी वेट कर सकते हैं। अगर कोई न्यूज़ आती है शेयर से रिलेटेड, मैं डेफिनेटली आपको वीडियो के थ्रू अपडेट ज़रूर दूंगी। अभी कंपनी में सब कुछ स्मूथ चल रहा है। ग्रीन एनर्जी इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कि 2070 तक हम कोल से प्रोडक्शन कम करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, और हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस शेयर का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से आए हैं तो आप एक मल्टीबैगर रिटर्न ज़रूर लेके जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट, तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, सो दैट औरों के पास भी ये अपडेट पहुंच सके। थैंक यू।